जब भी आप यहाँ पर फ़ोन पे के अंदर जब भी पैसे भेजते हैं किसी को भी, तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे कैसे फिक्स करना है बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको ध्यान से देखना होगा समझने के लिए। तो यहाँ पर आपको बोलता है पेमेंट्स टूवर्ड्स रिक्वेस्ट हायर दैन 2000 रुपीज़ आर नॉट अलाउड एज़ पर UPI गाइडलाइंस, ऐसा आपको बोलता है और यहाँ पर आपको डिसमिस का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर गाइस जब भी आप यहाँ पर 2000 के ऊपर पैसे यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कैसा होता है कि जब भी आप यहाँ पर किसी भी बंदे को अगर पैसे डाल रहे हैं, तो अगर वो आप यहाँ पर QR कोड से डालते हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना होगा, QR कोड से पैसे नहीं डालना है बल्कि उसका फ़ोनपे का नंबर ले लेना है। फ़ोनपे का नंबर लेके आपको सर्च करके फिर यहाँ पर आपको उस नंबर पर डालना होगा जिससे पैसे चले जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको फ़ोन नंबर से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर गाइस अगर फ़ोन नंबर डाल कर भी अगर आप सेंड करते हैं पैसे, अगर फिर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर जो भी जिसको भी आप यहाँ पर पैसे सेंड कर रहे हैं तो उसका जो बैंक है वो छोटा बैंक होगा, जैसे कि कॉरपोरेटिव बैंक है या फिर लोकल बैंक है, उर्बन बैंक है, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर उस बंदे की यहाँ पर लोकल बैंक नहीं है, अच्छी SBI बैंक है, बड़ी बैंक है, तो और यहाँ पर पैसे आपको डालना ही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उस बंदे के अकाउंट में पैसे डालना है गाइस। तो यहाँ पर आपको उसका अकाउंट नंबर लगेगा और यहाँ पर और उसका IFSC कोड लगेगा। तो यहाँ पर आपको टू बैंक UPI ID इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो भी बैंक है इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल देना है उस बंदे का। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, ऐड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ 1 रुपीज़ डाल कर देखना होगा, इस कन्फर्म करना होगा कि यहाँ पर पेमेंट जा रही है नहीं, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर सेंड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है गाइस। आपको ऐसा कर लेना है जिससे यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और आप जितने चाहे उतने पैसे भेज सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर कितने भी पैसे आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।